हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर एस के मिश्रा। आई एम इन चार्ज इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एट नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आई वुड लाइक टू शेयर दिस एजुकेशनल वीडियो रिगार्डिंग डिफरेंट फॉरेंसिक इंसिडेंसेस। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड बाय माय स्टूडेंट्स। दे वर्क वेरी हार्ड एंड क्रिएटेड अ शॉर्ट फिल्म इवन इन दिस कोविड सिनेरियो। दे शूटेड this video from their home in their environment, so it was very difficult to shoot this video and mix them accordingly, but they did it very well. And please see this video and bless them accordingly. Thank you very much. It is a story of a great businessman who was missing about a year after committing a murder of his brother. Investigators were initially unsure whether the cause was the abduction or absconding, but a finding of a burned car and some evidences leads a new story. Hello. Yes, Officer Abhishek speaking. Okay. ओके, मुझे लोकेशन सेंड करो और एरिया रेस्ट्रिक्ट करो एंड मेक श्योर दैट नो वन टचेस द कार एंड द बॉडी। मैं डॉक्टर प्रत्युषी को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजता हूँ। हेलो डॉक्टर प्रत्युषी, डिड यू फाइंड एनीथिंग? हेलो ऑफिसर, हमें यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जो कि 80% तक बर्न है और हमें इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले हुए हैं जो वैसे तो पूरी तरह से जले हुए हैं, पर हमें देख के पता चल गया कि ये मिस्टर ओबेरॉय के नाम पे, मिस्टर शक्ति ओबेरॉय। द मिलेनियर वाज मिसिंग सिंस 1 ईयर। यस, मे बी ही इज द वन। कार किसके नाम से रजिस्टर्ड है? कार भी मिस्टर शक्ति ओबेरॉय के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। ओके, व्हाट इज दिस स्मेल? इज इट ऑफ केरोसिन? या एक्चुअली हमें ना पूरे बॉडी पे और कार पे केरोसिन की स्मेल आ रही है, सो आई थिंक कि बॉडी को इंटेंशनली जलाया गया है। एंड आई गेस कि स्किड के मार्क्स भी नहीं है बाकी। यस सर, देयर इज नो स्किड मार्क्स। ओके, सो ये बॉडी हमें मिली है, राइट? अब हमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला है, एक टैटू जो SO नाम से है। ये शायद आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेल्प कर सकेगा सर। आई थिंक ये टैटू सिमिलर है जो हमें डेड बॉडी के ऊपर मिला है। यस ऑफिसर, ये लग तो मुझे भी सेम रहे हैं और दोनों की पोजीशन भी सेम है। एग्जैक्टली, नेप ऑफ नेक पर है दोनों, राइट? यस। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस? या मुझे अनबर्न कॉन्टेक्ट सर्फेस मिला है, प्लस हमें फिक्स लिविडिटी मिली है बॉडी के बैक से, तो एक पोस्टमार्टम बर्निंग का केस है। कॉन्टेक्ट सर्फेस यू कैन श्योरली सी द अनबर्न कॉन्टेक्ट सर्फेस। From all these investigations, investigators have found that the body which was placed in a car so that it looked like an accident, but later police have concluded that it was not an accident. It was a case of murder. And from the evidences, they found the body belongs to Mr. Shakti Oberoi. Hello, Officer Ragini. ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ गई है। ऑटोप्सी में हमें पता चला है कि इस इंसान की डेथ सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई है, जिसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं। और जो इसके गर्दन पर हमें टैटू का निशान मिला है वो मौत के बाद बनाया गया है। इंगेजिंग टेक्निक से हमें पता चला है कि यह टैटू 1 या 2 दिन पहले ही बनाया गया है। फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस विजिट्स मिलियनेयर्स हाउस। During investigating the house, they found nothing unusual and the house was seems like that no one visited here since a year. Initially, they found no evidences regarding the murder of millionaire, but later on, they found some documents which mentioning the address of a house on the name of a millionaire's mother. They also found a SIM card under a cabinet
which was not in a good condition. So basically, Mr. Oberoi और उनकी माँ के बीच कोई contact नहीं था since the time he murdered his brother. और उनकी माँ से पता चला कि he was having that tattoo since the age of 12. Plus मैंने उनकी माँ का hair sample भी ले लिया है DNA testing के लिए, जो कि मैंने Dr. प्रत्युषी को दे दिया है, ताकि हमें confirm हो जाए कि जो हमें dead body मिली है वो Mr. Oberoi से belong करती है या फिर किसी और की है. And what about the SIM card you took to the technical department? कोई information मिली? ये सर, हमने उस सिम की सारी डिटेल्स निकलवाई. वो सिम मिस्टर शक्ति ओबेरॉय के नाम पे है, और जब हमने उसे एक्टिवेट करवाया तो सारे ट्रांजेक्शन के मैसेजेस आने लग गए. और ट्रांजेक्शन 4 से 5 दिन में एक ट्रांजेक्शन हुई है सर, और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी 28th of September को हुई है. आफ्टर सीइंग ऑल द मैसेजेस पुलिस डिसाइडेड टू विजिट टू द बैंक ऑन मंडे. But before visiting to the bank, they received an information from forensic expert that the DNA sample does not match. After this, police get totally confused. They get 4 puzzled questions. If the body was not of Mr. Shakti Oberoi, then whose body it was? And where is Shakti Oberoi? Why would someone frame his death? And who was doing all the transactions from his account? So, you are the account manager. मुझे मिस्टर शक्ति ओबेरॉय के अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए. ट्रांजेक्शन्स वर मेड थ्रू द चेक एंड द लास्ट वन इज ऑफ 28th September एंड इट वाज क्रेडिटेड टू एन अकाउंट जो हमारे बैंक का है. ओके सर, टेल मी ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट जिसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं. ये रही सारी डिटेल्स, एड्रेस एंड द फोन नंबर विद ऑल द आईडीज एंड द अकाउंट जो था 27th September को ही खोला गया. In bank, police found that the check was credited in the account and the name of account holder was Manish. To confirm the identity of Manish, Officer Ragni took all the IDs and phone number to the examining office. The next day, Officer Ragni told Officer Abhishek that the Manish IDs, documents and phone number, they all are 6 months old. And his call detail shows a common number on which he had contacted most of times, and that number belongs to a surgeon. Police contact surgeon, but surgeon wasn't available. On the basis of these circumstantial evidences, police suspect Manish and decided to interrogate him. Mr. Oberoi ko kaise jante ho? Sir, I work as account manager in his company. Okay. Unke account se bhi latest transactions karayi gayi hain directly into your account. To wo transactions kyon karayi gayi? सर, एज अकाउंट मैनेजर मुझे वो ट्रांजैक्शंस करानी पड़ी कंपनी को चलाने के लिए. ओके, और ट्रांजैक्शंस कराई कैसे? सर, थ्रू चेकबुक. उन्होंने मुझे अपनी चेकबुक दे रखी है, ताकि अगर उनकी एब्सेंस में कभी जरूरत पड़े तो फिर मैं उसका यूज कर सकूं. ओके, और तुम उनकी कंपनी में काम कब से करते हो? सर, पिछले 3 साल से. बट तुम्हारी आईडीज तो 6 महीने पुरानी है, और कंपनी जो है वो उनकी बंद हो चुकी है जब से वो गायब हुए हैं. तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसे कोई अपनी चेकबुक किसी को नहीं देता, चाहे वो अकाउंट मैनेजर हो, चाहे वो एमडी हो, या फिर कोई भी हो. हेलो, यस, डॉक्टर सारा स्पीकिंग. Hello, I'm investigator Ragini. Do you know Manish? Haan, I know Manish. He was my patient. Why he contacted you? I'm sorry, but I don't think I'm supposed to give out personal information of my patient. Listen, he's a prime suspect in a case. So it's better you will tell us the truth. Okay, since it's important for your investigation, I'll tell you. 6 mahine pehle he came to me for plastic surgery. So I did his surgery and it was the last time that I had any sort of contact with him. Hello Mr. Oberoi, Dr. Sara ke saath hamari baat ho chuki hai, to phir please ab aap hamare questions ka seedha seedha answer dein. So why did you kill your brother? Actually sir, main ek company start karna chahta tha, iske liye maine ek bahut bade amount mein loan liya tha. पर सर, कुछ टाइम बाद ही वो कंपनी फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से मैं कर्जे में आ गया. तो मैंने अपने भाई का मर्डर कर दिया, जिससे मैं उसकी इंश्योरेंस मनी क्लेम कर सकूं.
ओके एंड व्हाई डिड यू चेंज योर आइडेंटिटी? सर ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए मैंने डॉक्टर सारा के पास जाके अपना फेस चेंज करवाया। और डॉक्टर सारा ने तुम्हारी हेल्प क्यों करी? सर मैंने उन्हें बहुत सारे पैसे खिलाए थे ताकि ये सच वो किसी और को ना बताएं। ओके एंड व्हाट अबाउट दैट बॉडी वी फाउंड इन दैट कार? एक्चुअली सर वो बॉडी मेरे एक नेबर की है, वो एक ऑर्फन है। मैंने मौका देख के उसके सर पे लोहे की रॉड से हिट करा, उसकी नेक पे एक टैटू मार्क बनाया अपनी तरह एंड उसकी बॉडी को जला दिया। मैंने सर ये अपनी खुद की डेथ को फ्रेम करने के लिए किया। एक्चुअली सर मैंने सोचा कि ये सब करके मैं एक नई लाइफ जीऊंगा मनीष बन के, पर ये हो नहीं सका। राइट ओके। Finally, the real culprit, that is Mr. Shakti Oberoi, has been proven guilty for a series of offenses like his fake accidental death, bank fraud and impersonation. He was charged with murdering his brother and neighbor. Surgeon also has been proven guilty for helping Mr. Shakti Oberoi to change his identity in spite of knowing his crime.